अब एक बनाओ फाइल, सब लोग एक बनाओ फाइल, टैक्स डेकोरेशन नाम से, टैक्स डेकोरेशन। टैक्स डेकोरेशन ठीक है, मैंने लिखा हेलो, देखो सब लोग हेलो ग्वालियर, और यहाँ पे लिखा मैंने होम S2 में, तो ग्वालियर, फिर होगा S3 में हेलो ग्वालियर। ठीक है, अब देखो टैक्स डेकोरेशन सब जानते होगे, मैं लिखा यहाँ पे टैक्स डेकोरेशन नन, जानते हो ना क्या होगा इससे। देखो जो अंडरलाइन आ रहा था वो हट गया इससे, टैक्स डेकोरेशन नन लगाने से। अब मैंने सेम चीज करी H1 पे, हम लोग क्या सीख रहे हैं, CSS3 की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, टैक्स डेकोरेशन अपर केस। देखो अंडरलाइन, देखो ये अंडरलाइन आ गई, अगर इसको कलर चेंज करना हो तो टैक्स डेकोरेशन कलर रेड दे दिया, देखो कलर चेंज हो गया। ठीक है, फिर देखो दूसरा S2 में लिखा मैंने टैक्स डेकोरेशन ओवर लाइन, देखो ऊपर लाइन आ रही है, और एक होता है S3 में टैक्स डेकोरेशन लाइन थ्रो, लाइन थ्रो देखना इस लाइन कट के आ जाएगी अभी, देखो लाइन थ्रो, कलर चेंज करना है इसका, कलर चेंज कर दो टैक्स डेकोरेशन रेड, देखो देखना सबको, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है टैक्स डेकोरेशन की। तो आप एक बना लो फाइल टैक्स डेकोरेशन .html नाम से फाइल, ठीक है उस पर नोट करो। एक बनाओ फाइल सब लोग ट्रांसफॉर्म के नाम से, ट्रांसफॉर्म, देखो ट्रांसफॉर्म क्या होता है समझाता हूँ सब, देखो देखो एक बना रहा हूँ फाइल में ट्रांसफॉर्म डॉट एस टी में, देखो मैं लिखा H1 पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, देखो जो H1 है कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो देखो कैपिटल हो गया, क्या यूज किया हमने टैक्स ट्रांसफॉर्म अपर केस, और अगर कंटेंट मांग चलो ये कैपिटल में है तो अपन यहाँ के लिखेंगे S2 टैक्स ट्रांसफॉर्म लोअर केस, तो ये कैपिटल में होगा वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और एक होता है आप चाहते हो कि देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप चाहते हो सबका पहला लेटर कैपिटल हो जाए, देखो सबका पहला लेटर कैपिटल हो जाए तो आप क्या लिखोगे S3 में टैक्स ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइजेशन, है ना, दिया ला के खाता हूँ, देखो लगा दी, देखो चलो तो ये सही तो था, बियर बना दिया, देखो H G है कैपिटल हो गया। ठीक है नोट कर लो टैक्स ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, सब नोट कर लें टैक्स ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी।
नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। डन सर। हो गया सर नोट। चलो अब देखो, अब इसी में एक और होता है, ये मैं हटाया। देखो अब मैंने यहां पे लिखा H1, हाँ P लॉरेंट लिप्सम। अब देखो मैं इसको अगर रन करूं ब्राउजर पे, अब देखो मैं इस पी पे क्या काम करने वाला हूं सब देखो। डॉट पी, अरे सिंपल पी, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। विड्थ मैंने सेट कर दी 500 पिक्सल, ठीक है देखो, ठीक है। और टैक्स अलाइन जस्टिफाई। अब मैं चाहता हूँ जो पैराग्राफ है ना, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो, तो अपन इसके लिए यूज करते हैं टेक्स्ट इंडेंट। मैंने कर दिया 30 पिक्सल। देखो गैप आ गया, तो गैप आ रहा है। मैंने क्या यूज किया, अगर मैं वो कर देता हूँ 100 पिक्सल, देखो क्या पा रहा है ना। अब देखो एक चीज होती है यहाँ पे, एक होता है फॉन्ट साइज, मैंने लिखा 16 पिक्सल, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है। अब चाहे मैं ऐसे लिख लूँ, चाहे 1 REM लिख दूँ, ठीक है 1 REM, दोनों सेम चीज है, देखो है ना, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं 1 2 REM, 2 REM कितना हो जाएगा, देखो 16 दूनी 32, 2 REM कितना होता है 32, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, अगर देखो मैं 32 लिखू ना और इसको कमेंट करूं तो सेम रहते हैं, ऐसे है, ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं 1.5 तो कितना होगा बताओ, 16 8 कितने होते हैं 24 पिक्सल, ठीक है। और अगर कहीं आपको दिख रहा है 0.5 दिख जाए लिखा हुआ REM, तो आप लोग कितना समझोगे 8 पिक्सल, 1 पिक्सल समझ आ गया एक पिक्सल है ना। ऐसा आपको मिलेगा लिखा हुआ REM, लिखे हुए मिल जाते कहीं ना कहीं, तो आप समझ जाना क्या होता है चीजें, ठीक है। नोट उसी के नीचे नोट कर लो, जब भी आप नोट कर रहे थे ना उसी फाइल के नीचे नोट कर लो। ये हम पढ़ रहे हैं CS3, ओके। अब इसी के बाद चालू होगा बूट स्टेप हमारा, ठीक है ना, ट्यूजडे से हमारा बूट स्टेप चालू होगा। तो बूट स्टेप पे काम करने के लिए हमारा ये CSS अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सब नोट कर लें, सर अगर दोनों लिखे हों तो प्रायोरिटी REM को मिलती है। अच्छा ओवरलैप हो जाता है ना, ओवरलैप ये देखेगा फिर इसको देख लेगा। हाँ जी समझ लो, प्रायोरिटी नीचे वाले को देगा वो, REM नहीं तो सेम क्लास नीचे देखिए उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी ना।
ओके सर। नोट कर लो सब लोग। नोट हो गया। नोट हो गया। यस सर। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया सर? बाकी सबका हो गया? चलो एक काम करो, आज इतने रखते हैं।